5th, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। द पोएम इज अबाउट लॉसिंग समथिंग दैट यू लव एंड लर्निंग टू ग्रो अप। इट इज अबाउट अ लिटिल बॉय हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज यंग लाइफ ही इज लर्निंग वॉट इट इज लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ एट द लॉस ऑफ मच बिलोड पोजिशन। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हो तो आपको ये सीखना चाहिए कि वो चीज़ आपसे कभी भी दूर हो सकती है, तो उसके लिए जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको सहन करना आपको आना चाहिए। तो इसी जो द बॉल पोएम है, इसमें ये जॉन बेरीमैन ने बताया है कि एक लड़के को बॉल बहुत पसंद है, उसकी बॉल खो जाती है, लेकिन अब उसको जो है उस बॉल का जो दर्द, उसको तकलीफ जो हो रही है, दुख हो रही है, उसको सहन करने की हिम्मत उसके अंदर आनी चाहिए। द पोएम हैज़ 4 स्टेंजास। द फर्स्ट इज व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. तो मैं जिस लड़के को देख रहा हूँ और वो ये देख रहा हूँ कि उसकी जो है बॉल वो खो गई है, अब वो लड़का करे तो क्या करे। मैंने खुद, यानी कि जो राइटर है वो खुद बोल रहा है कि मैंने उस बॉल को खुशी से उछलता हुआ देखा है, वो खुशी से उछलती उछलती जो है गली में नीचे चली गई और उसके बाद वो खुशी से ही जो है ना वो गायब हो गई। यहाँ पर मेरेली जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है हैप्पीनेस के लिए। तो नो यूज़ टू से और देयर आर अदर बॉल्स, तो अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास और बॉल है, हालांकि मैं उसको दिला सकता हूँ नई बॉल, लेकिन जो उसका उससे लगाव है उस बॉल से, उसको मैं वापस दोबारा लेकर नहीं आ सकता। मीन द पोएम इज अबाउट अ लिटिल बॉय, ही लॉसेस हिज बॉल एंड वॉचेस इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू द वाटर। टू अस द लॉस ऑफ बॉल इज माइनर कॉन्सिक्वेंस, बट टू द लिटिल बॉय इट वॉज अ वैल्यूड पोजिशन। द बॉल हैड बिन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट वॉज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ द डेज वेन ही प्लेड विद इट। यानी कि जो बॉल के साथ उसकी मेमोरीज है वो उसके पुराने दिनों को याद दिलाती, पुराने दिनों से जुड़ी हुई है, इस वजह से उसका जो है उस बॉल से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज एज स्टैंड रिगिड ट्रेमलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंटरव्यूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो यहाँ पर बोला गया कि द बॉय इज वेरी मस्ट ट्रबल एट द लॉस ऑफ इज द बॉल प्लंग्स इनटू ग्रीफ। यानी कि उसको दुख भी है कि उसकी जो बॉल है वो खो गई है, वो दुख में पड़ गया। स्टैंड स्टिफ एंड ट्रेवलिंग वाइड स्टेरिंग हिज बॉल, वो अपनी बॉल को खोते हुए उसको घूरते हुए जो है कांप रहा है। ही इज अपसेट एज ही लुक्स इन द ग्लोमी वाटर, वो बहुत अपसेट है जो ग्लोमी वाटर है उसको देखकर। बिकॉज इट हैज़ बिन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि लंबे समय तक उसके पास ये बॉल साथ में थी। वेन द बॉल बाउंसेस, जब बॉल उछलती है और पानी में चली जाती है, ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द चाइल्ड हुड डेज फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसकी जो बचपन की जो यादें हैं वो सारी की सारी जो है फ्लैश होने लग जाती हैं। मोर ओवर द बॉय डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर ऑल बिकॉज देट वुड बी वर्थलेस। अब पैसा देना उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके लिए वर्थलेस होगा। यहाँ पर जो डाइम का यूज़ किया गया है वो पैसे के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो स्टेंजा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाउ ही सेंसेस फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यानी कि जो लोग हैं वो तो बॉल लाते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स हैं वो भी बॉल लाते रहेंगे और छोटे बच्चे जो हैं उन बॉल को खोते रहेंगे, लेकिन जो इमोशंस उनके साथ जुड़ी हुई है, जो बच्चों को तकलीफ होती है, उस इमोशन का सामना खुद उन बच्चों को करना है, क्योंकि आगे वो बढ़ रहे हैं और अपनी बढ़ती हुई ज़िंदगी से उनको क्या डिसीजन लेना है ये वो अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड नो वन बायस बॉल बैग, दोबारा किसी बच्चे को जो है वो वही बॉल जो है ख़रीद कर नहीं दे सकता। जो इमोशंस एक बार चले जाते हैं उन इमोशंस को जो है कोई भी ख़रीद कर नहीं दे सकता। तो मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो एक दिखावे की चीज़ है, एक भारी चीज़ है, दिखाने की चीज़ है, तो पैसे से हम फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो हम कह सकते हैं कि द बॉय इज वेरी मच ट्रबल एट द लॉस ऑफ हिज बॉल प्लंग इनटू द ग्रीव स्टैंड स्टिफ एंड रिगलिंग ट्रेम्बलिंग विद स्टेरिंग हिज बॉल। He is upset. He is looks into the gloomy water because it has been with for a long time. When the ball bounces into the water, all his memories of childhood days flashes in front of him. Moreover, the boy doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. So the boy cannot find his ball into the gloomy water. This is when he gets his first senses of responsibility. The poet says that from the loss of the ball, the boy is learning what it means to be lost something in the world of possession. उसको पता चलेगा कि आखिर खोने का मतलब होता क्या है और उसको सहन किस तरीके से किया जाता है। तो मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज,
पैसा तो एक बाहरी चीज होता है जिसके द्वारा हम मेमोरीज को नहीं खरीद सकते हैं, नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग दैट वी लव द थिंग्स दैट रियल मैटर, और इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। तो ही इज लर्निंग ऑल वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यहाँ पर जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस बोला गया है वो देख गया है भूलने का एक प्रकृति विज्ञान, जिस तरीके से प्रकृति ने एक ऐसी ऐसा साइंस दे रखा है कि हम किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई वस्तु हो किसी भी तरह का। हाउ टू स्टैंड अप, उसका सामना कैसे करना है ये भी हमें सीखना चाहिए। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसको हर व्यक्ति एक दिन जान ही जाता है कि हमें किसके खिलाफ कैसे खड़े होना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और आने वाले दिनों में हमें किस तरीके से खड़े होना है ये भी हम चीज़ हर चीज़ को जो है हम जानते हैं। तो द पोइट सजेस्ट दैट द फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, द बॉय इज लर्निंग वॉट इट मीन्स टू बी लॉस समथिंग, द पोइट सेज दैट नोविंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेज, द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लिव द लॉसेज बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस। तो यहाँ पर ये जो पोइट है इसमें बोल के जरिए अपने फीलिंग्स को बताया गया है। जो नेक्स्ट है वो है इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस की बात हुई वो है जो सिंबोलिज्म है, द बॉल इज सिंबल ऑफ द बॉयज यंग इनोसेंट है। तो ये सिंबल बताया गया कि बॉल को यहाँ पर एक जोड़ा गया है उसके लड़के के यंग और इनोसेंट डे से, उसके पुराने दिन से, उसकी वो प्रतीक मानी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन द वर्ड्स अगेन अगेन रिपीट, जिनको बार बार रिपीट किया जाता है उनको जो है रिपीटेशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें बार बार यूज़ हुआ है वॉट वॉट बॉल्स बॉल्स का बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है रिपीटेशन। और जो उसके बाद आती है एलिट्रेशन, जो कि कॉमन है, जो कि हर पोइम में आती हुई जा रही है। बाइस बोल बेक मीन, यहाँ पर बोल बी, उसके बाद बेक में बी, उसके बाद बॉल्स बॉल्स बी बी वॉट वॉट डब्लू डब्लू। तो रिपीटेशन के साथ यहाँ पर एलिट्रेशन पे आ रही है क्योंकि सेम कंसोनेंट जो है उसका साउंड यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू।